तो एकदम से ऐसा हुआ कि हार्ट रेट एकदम ऊपर चला गया और जैसे ही मैंने पी ओपन किया मैंने स्क्रॉल डाउन भी नहीं किया मैंने सीधा सर्च किया अपना रोल नंबर और आ, मतलब रैंक वन देख के आ, मैं स्पीचलेस था मैं शॉक था मतलब वहाँ पे मेरे दिमाग में और कोई चीज़ नहीं चल रही थी एकदम ब्लैंक हो गया था और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और जिनसे मैं मिलने जा रहा था वो एक्चुअली मेरे नानू जी और नानी जी थे उनके घर मैं जा रहा था मिलने तो उनका एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि हमारा हमारे फैमिली से कोई क्लास वन ऑफ़िसर बने ग्रेड ए ऑफिसर बने और उसको जब मैंने एकम्प्लिश किया तो एक प्राउड फीलिंग आई और अपने पेरेंट्स के लिए जो भी कर पाया हूँ आज तक वो देख के अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू यू वॉट वॉज प्रिपरेशन स्ट्रैटी मैम मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट और सेयर कर सकता हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में आ, मैं कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहा था जो आ, मुझे बताया जा रहा था वो मैं कर रहा था बिकॉज इट इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझसे काफ़ी मिस्टेक्स हुई इन द प्रिलिमिन्री मेन्स एज वेल एज पर्सनैलिटी टेस्ट लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंस्टेड ऑफ़ बीइंग डीमोरलाइज्ड बाय द रिजल्ट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा तो मैंने एनालाइज किया कि कहां-कहां मेरी प्रिपरेशन में फॉल्ट्स थे उनको रिकोगनाइज़ किया और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने उन गैप्स को फिल करने की कोशिश की जैसे कि प्रिलिमिनरी में Uh, मैंने जो पेपर वन है दैट इज़ जी पार्ट उसके ऊपर काफ़ी फोकस रखा एज़ कम्पेयर टू माई फर्स्ट सेकेंडली मेन्स में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की अराउंड थर्टी टू फोर्टी मेन्स के टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किए एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था बट इस बार मैंने अपनी प्रिपरेशन हंड्रेड परसेंट रखी अपना हंड्रेड परसेंट दिया जिससे कि मुझे लगता है इस बार मेरा रैंक इम्प्रूव हुआ हाउ डिड यू फाइंड दिस ईयर पेपर इन कम्पेरिजन ऑफ लास्ट ईयर पेपर मैम अगर मैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूँ तो जो पेपर जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था वो मोर और लेस सिमिलर था पेपर वन इन द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम वॉज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड पेपर टू वॉज एट द सेम लेवल सो so, ओवरऑल देखा जाए तो पेपर कैन बी सेट टू बी एट द सेम लेवल और अ लिटिल बिट हायर देन लास्ट ईयर सेकेंडली अगर मेन्स की बात की जाए तो मेन्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ uh, था एज़ कम्पेयर टू लास्ट टू और थ्री ईयर्स तो वो एकदम बच्चों के लिए सरप्राइजिंग था जिस तरीके से उन्होंने पेपर सेट किया था जो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन उन्होंने चूज़ किया था दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में हम लोग इतना ज़्यादा जज नहीं कर सकते बट माई इंटरव्यू द डिफरेंस इन माई अप्रोच वॉज दैट मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इस बार इंटरव्यू देने गया था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर टेल एस अबाउट योर एक्सपीरियंस इन यू पी एस सी इंटरव्यू होल मैम मेरे इंटरव्यू पैनल के जो चेयरपर्सन थे वो स्मिता नागराज मैम थी एंड दिस टाइम मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत ही अनकन्वेंशनल लाइंस पे गया था क्योंकि uh, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे uh, मेरे गैप के बेसिस पे कि आपने इतना गैप क्यों लिया ग्रेजुएशन के बाद आपने अब तक जॉब क्यों नहीं स्टार्ट की और इन सब लाइंस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चेयरपर्सन से क्वेश्चंस बट हर इंटरेस्ट वाज मोर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड इट्स फ्यूचर तो वो एक अनकन्वेंशनल लाइन थी और बाकी जो मेंबर्स थे आ, उनका देवर वेरी डिसेंट लेकिन जो थर्ड टेक्निकल मेंबर थे उन्होंने मुझसे काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे थे आई थिंक आउट ऑफ टेन और इलेवन क्वेश्चंस जो उन्होंने मुझसे पूछे आई वाज एबल टू आंसर ओनली टू और थ्री आउट ऑफ देम सो आई थिंक ओवरऑल की पर्सनैलिटी टेस्ट में दे आर नॉट ट्राइंग टू जज द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ऑफ़ द एस्पिरेंट बट इन स्टेट दे आर फोकसिंग ऑन हिस्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम मैम एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए आई आई टी रूड की ज्वाइन मैंने किया था तो उस टाइम पे माई एम वॉज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोर ईयर्स जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा तो मैंने ये देखा कि इसके बहुत ही डाइवर्स और वाइड एप्लीकेशन है और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को अगर हम लोग देखें तो उसमें भी एक ऑप्शनल जो है सिविल इंजीनियरिंग का हमेशा रहता है तो व्हाई नॉट आई प्रिपेयर फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन फ़र्स्ट उसको क्लियर करें सिविल इंजीनियरिंग पे अच्छा कमांड जो है वो हम लोग एस्टैब्लिश करें और उसके बाद वी अपेर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सो दिस वॉज द मेन रीज़न फॉर चूजिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज वॉट वॉज योर स्टडी शेड्यूल अटेंडिंग शेड्यूलिस मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट था आई एस मास्टर में इन द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन तो उस टाइम पे हमारा जो दिन होता था वो पैक्ड रहता था विद क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग तो एट थर्टी ए एम हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी एंड uh, कभी कभी uh, शाम को आठ या नौ भी बज जाते थे इन द क्लासेस इट तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये फिलॉसफी रहा था कि जो भी सब्जेक्ट्स uh, या टॉपिक्स कवर किए गए हैं आज के uh, आज के क्लासरूम सेशन में उसको मुझे एक बार रिवाइज ज़रूर करना है घर जाके और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे अटैम्प्ट और उससे पहले मैं सोता नहीं था कभी भी तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं रात को तीन चार बजे सोया हूँ और सुबह आठ बजे मैं क्लास में होता था बट मैंने कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में सेशंस uh, में जो पढ़ाया जाता था उसको मैं रिवाइज ज़रूर करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाता था तभी मुझे नींद आती थी नहीं तो मैं सो नहीं पाता था मतलब हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट आई एस मास्टर सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं कॉलेज में था अपने फोर्थ ईयर में तो वहाँ पर मैंने अपने सीनियर्स uh, से बात किया था एंड दे रिकमेंडेड आई एस मास्टर वेरी स्ट्रांगली टू मी बिकॉज ऑफ द टेक्निकल गाइडेंस दैट दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स और uh, यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि uh, मेरे जो सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन के टाइम पे वीक थे वो भी मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बन गए तो इतना ज़्यादा रोल था आई मास्टर का मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और एक जो कॉन्सेपचुअल uh, क्लैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए और वो मुझे लगता है आई मास्टर ने बहुत अच्छे से वहाँ पे अपना रोल निभाया है इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ होती है आई मास्टर की uh, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और उसका जो लेवल होता है वो कभी भी यू से नीचे नहीं होता वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आ, वो हमको प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो और जब हम लोग आई मास्टर के टेस्ट सीरीज़ देकर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें जो एक्चुअल एग्जामिनेशन है वो ईजी लगने लगता है एंड वी आर एबल टू स्कोर मच मोर देन वट वी आर सिक्योरिंग इन मॉक टेस्ट तो वो एक डिफरेंस है आई मास्टर में और इंटरव्यू गाइडेंस के टाइम पे जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही थोरो होता है और आ, जो आ, आपके मॉक इंटरव्यू के बाद आपको गाइडेंस मिलती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो गलतियाँ हैं आपकी पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज में उनको हाईलाइट किया जाता है ताकि आप उसको इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ हाउ डिड आई एस मास्टर फैकल्टी मेम्बर्स हेल्प यू मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो आई मास्टर के फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो आ, मतलब बहुत ही आ, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं सभी एस्परेंट्स को और आ, इवन अगर आप डाउट पूछने जाएंगे उनसे तो आ, दे विल गेट अप अनटिल एक एक बच्चे का डाउट सॉल्व हो चुका है तो अगर आप क्लासरूम में डाउट नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो भी आप उनसे बाद में जाके आप उनसे कॉल उन उनसे कॉल पे बात कर सकते हो आप उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो क्योंकि जब भी हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं जो क्लासरूम में पढ़ते हैं वो तो है ही है बट उसके साथ साथ जो आ, एक ट्वेंटी फोर सेवन सपोर्ट होता है वो आई थिंक हमको आई एस मास्टर के फैकल्टी मेम्बर्स प्रोवाइड करते हैं और ख़ुद उनके पास कम से कम बारह से पंद्रह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आ, हमको रिकमेंडेशन भी कभी कभी वो देते हैं कि ये आपका वीक सब्जेक्ट है ये आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है इसमें आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो वो चीज़ें जो हैं आई थिंक वो एक्स फैक्टर है यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स में फॉर हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी इन अ डे मैम अगर देखा जाए तो जब आ, मैं कोचिंग में आ, आता था तो अराउंड आई विल से एट टू नाइन आवर्स जो है वो कोचिंग में स्पेंड होते थे क्योंकि देर आर बेसिकली टू अप्रोचेस एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आ, एक साल का ड्यूरेशन होता है प्रिलिमिनरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास सिक्स मंथ्स का टाइम था तो मैंने जब आई मास्टर में बैच ज्वाइन किया तो उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जिसकी वजह से हमारे जो वर्किंग आवर्स होते थे वो एट टू नाइन आवर्स चले जाते थे दिन के अंदर और जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा क्लासरूम सेशंस में जो भी पढ़ाया जाता था उसको रिवाइज़ करता था तो उस नाइन आवर्स की स्टडी को रिवाइज़ करने के लिए मुझे थ्री टू फोर आवर्स और लगते थे तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज़ फॉर प्रीलिम्स मेरा जो स्टडी रहता था वो ट्वेल्व टू थर्टीन आवर्स का रहता था बट उसके बाद जब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करने गया तो उस टाइम पे वो स्टडी टाइम थोड़ा सा कम हो गया था अबाउट एट टू नाइन आवर्स तो ये मेरा जनरल uh, शेड्यूल था हाउ डिड यू फाइंड आई एस मास्टर डाउट सॉल्विंग सोल्विंग तो सबसे पहले तो जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके जो भी कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं व्हाट्सएप पे या फिर आप उनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज़ ये है कि क्लास रूम सेशंस के बाद फैकल्टी मेम्बर्स तब तक आ, 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 आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक एक एक स्टूडेंट का डाउट सोल्व नहीं हो जाता और तीसरी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लासरूम सेशंस ख़त्म हो गए हैं और आप सेल्फ़ प्रिपरेशन कर रहे हैं उस स्टेज पे भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली आईएएस मास्टर के आ, जो फैमिली है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं अपने फैकल्टी मेम्बर के साथ जो भी कंसर्न फैकल्टी मेबर हैं और वो आपको अवेलेबल मिलेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हाउ डिड आई एस मास्टर स्टडी मटीरियल्पू मैम आई ए एस मास्टर का जो स्टडी मटीरियल है वो बहुत ही थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव है सबसे पहली चीज जो स्टडी मटीरियल में हम लोगों को सब्जेक्ट की बुक्स मिलती हैं उसके अंदर प्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से ही उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं तो अगर आप आ, जो बुकलेट के अंदर प्रीवियस जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एज एग्जाम्पल्स सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर आप उनको भी सोल्व कर लेते हैं तो भी काफ़ी हद तक आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सेकंड uh, चीज़ जो है आई मास्टर के मटेरियल के बारे में वो है कि uh, जो सब्जेक्ट कवरेज है इवन उन सब्जेक्ट्स को भी कवर किया गया है जो कि uh, आपको कहीं और नहीं पढ़ाया जाएगा सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो कभी नहीं पूछते बट आई मास्टर का स्टडी मटेरियल उन चीज़ों को भी कवर करता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी तो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हम ये कह सकते हैं कि उनका एक बहुत ही क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके ये स्टडी मटेरियल बनाया गया है और आ, इसी ने मुझे हेल्प किया काफ़ी हद तक मेंस की प्रिपरेशन के लिए व्हाट वाज योर स्टडी ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन लास्ट के एक महीने में एक्चुअली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँगा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और एग्ज़ामिनेशन uh, हॉल में भी इवन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं अपने पेरेंट्स का नाम लेता था और uh, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लेता था आंखें बंद करके और उनको याद करके मैं शुरू हो जाता था एग्ज़ाम लिखना क्योंकि वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन थे और uh, जो भी आपका मोटिवेशन है आप उसको ध्यान में रखिए लास्ट के वन मंथ में एंड इवन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और उस जज्बे और पैशन के साथ आपको एग्ज़ाम देना है अगर आप ऐसा करेंगे तो थ्री आवर्स फोर आवर्स कब निकल जाएंगे आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स तो ये मैंने एक नई चीज़ की थी अपने सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे कि मैंने मल्टीपल uh, सब्जेक्ट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे एवरीडे क्योंकि जब मैं कोचिंग uh, ले रहा था तब हमको एक या दो सब्जेक्ट ही डेली पढ़ाए जाते थे और मैं वही रिवाइज करता था बट सेकेंड अटेम्प्ट में क्योंकि मेरे पास फ्रीडम थी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कम से कम तीन से चार सब्जेक्ट्स डेली पढ़ूंगा उससे मुझे दो फायदे हुए सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि मेरा सब्जेक्ट uh, जो प्रिपरेशन था वो बहुत जल्दी होने लगा और सेकेंडली ये फ़ायदा हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बना रहा सब्जेक्ट के अंदर कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं और बोर होने की वजह से हमारी एफिशिएंसी नीचे आ जाती है और एफिशिएंसी नीचे आने की वजह से हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेने लगते हैं हम लोग एक बार में तीन घंटा दो घंटा बैठ के नहीं पढ़ पाते लेकिन अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे दो दो घंटे करके तो आप ये ऑब्जर्व खुद करेंगे कि आप टेन प्लस हार्स भी एक घंटे एक एक दिन में आप कवर कर सकते हैं तो वो चीज़ मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगी कभी कभी अगर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता था तो मैं जी के सब्जेक्ट्स भी वन आर पढ़ लेता था जस्ट टू कीप इट लाइट वॉट विल बी योर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज एस्परेंट्स के लिए uh, मेरा यही मैसेज है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज uh, का एग्ज़ाम है वो आपकी मेंटल uh, स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है और uh, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग uh, होना पड़ेगा इस जर्नी के लिए लेकिन मुझे लगता है कि आ, अगर कभी भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आई मास्टर जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करेगा नॉट ओनली ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट लेकिन पर्सनल फ्रंट पे भी आप पर्सनल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर किसी भी फैकल्टी मेम्बर से डिस्कस कर सकते हैं कोई आपको मोटिवेशन कम पड़ रहा है या आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सब चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं वेरी ऑनेस्टली और आपको बेस्ट एडवाइस हमेशा मिलेगी तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि स्टार्ट अर्ली अपने आप फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम से एक साल पहले आपको कम से कम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए नाउ लर्निंग मैम क्योंकि मैं दोनों ही ऑनलाइन मोड्स और ऑफलाइन मोड्स में मैं पढ़ चुका हूँ तो मेरे को आ, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो ऑफलाइन मोड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्टडी के लिए क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लाइव इंट्रैक्शन आपका होता है फैकल्टी मेम्बर्स के साथ एंड सेकेंडली जो डाउट सॉल्विंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए क्योंकि अगर आप अपने डाउट्स को सॉल्व नहीं करेंगे सेम डे पे तो आपके डाउट्स पाइल अप होते जाएंगे आप उनको कभी भूल जाएंगे और फिर एग्जाम में वो आपके सामने आएंगे वो डाउट्स सारे तो जो डाउट सॉल्विंग है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाता है ऑफलाइन मोड के थ्रू तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ़लाइन मोड इज़ बेटर देन ऑनलाइन मोड बट अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन मोड एज वेल वहाँ पर भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा एंड थ्रू जूम कॉल्स और थ्रू वीडियो कॉल्स आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज वॉट एक्टिविटीज तो जो मेरा कॉलेज था आई आई टी रोड की वहाँ पर फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही मैं बहुत सारे कैंपस ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो गया था क्योंकि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड या उससे पहले मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था बट वहाँ जाके मैंने डिसाइड किया कि इस चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे Uh, और इसलिए मैंने बहुत सारे कैंपस ग्रुप्स में इनरोल किया हमारे कॉलेज का टेक्निकल फेस्टिवल होता था मैं उसकी कोर टीम uh, में मैं बन गया और एनएसएस में भी एज ए वॉल्टियर मैंने बहुत काम किया वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए कम से कम पाँच छः तो वहाँ से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला उसने आज मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है जो मैं आज हूँ उन चार सालों की वजह से हूँ और वहाँ पर भी जो मैंने लेसन्स सीखे हैं जो भी पढ़ाई की है वो आज भी मुझे काम आती है हाउ वुड यू रिमेम्बर आई एस मास्टर तो आई एस मास्टर हमेशा एक बहुत ही जब भी मैं नाम सुनता हूँ तो एक स्माइल ले आता है फेस पे, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज जो हैं कटवारिया सराय और आई एस मास्टर से मेरी जुड़ी हुई हैं जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनको मैं गुरु की तरह मानता हूँ अपने क्योंकि कॉलेज uh, की पढ़ाई एक तरफ बट जो प्रिपरेशन यहाँ की फैकल्टी करवाती है आपको वो आपको जिंदगी भर काम आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक आई एस मास्टर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड सेकेंडली कभी मैं भूलूंगा नहीं इस जर्नी को यहाँ पे जो मेरे बैचमेट्स थे जो फैकल्टी मेंबर्स थे uh, उनका रोल बहुत ही uh, ज़्यादा रहा है मेरी सक्सेस के अंदर What advice you want to give for all future aspirants? Ma'am, first of all, uh, मैं ये recommend करूँगा कि जो भी aspirants gate या engineering services के examination देना चाहते हैं, उनको अपना goal clear रखना चाहिए। कभी भी uh, अगर आप gate की preparation करना चाहते हैं and getting into a PSU is your ultimate aim, तो आप सिर्फ gate की preparation करिए। आपको engineering services की preparation करने का कोई जरूरत नहीं है। और गेट की प्रिपरेशन में आपको फाइव टू सिक्स मंथ्स इनफ रहते हैं बात करें अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते समय आ, एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप गेट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि गेट का जो सिलेबस है वो एक सबसेट है इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस का और इस वजह से वहाँ पर आ, आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है तो वहाँ आप एक एज ले सकते हैं ओवर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ गेट के लिए प्रिपरेशन किया है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग एज़ अ सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करिए आपका थ्योरी भी क्लियर होगा न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा उससे आप गेट के लिए भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी स्टेट पी के लिए आ, अप्लाई करना है या स्टेट की इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है तो उनके एग्जाम्स में भी वही सब सिलेबस आता है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है प्लस आपको थोड़ा बहुत जो वहाँ का रीजनल सब्जेक्ट है या फिर कोई भी जनरल स्टडीज़ है वो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा बट डेफिनेटली आई विल से कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करिए और आप गेट uh, की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी तो uh, मैं एक्चुअली हरियाणा को बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो हैं वो करनाल से हैं और मेरी मदर कुरुक्षेत्र से हैं एंड माय फादर वर्क्स फॉर इंडियन रेलवेज ही इज़ करेंटली पोस्टेड इन दिल्ली डिवीज़न और uh, मेरी एक छोटी बहन भी है जो कि करेंटली फैशन के लिए पढ़ रही है Tell us about your schooling. मैंने अपनी स्कूलिंग थोड़ी बहुत अंबाला में की है टू थर्ड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड के बाद जो भी मेरी आ, हायर एजुकेशन है वो दिल्ली में ही हुई है ट्वेल्थ दिल्ली से करने के बाद जे ई में मेरी रैंक के बेसिस पे मैंने आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिया था और तब मैंने नहीं सोचा था कि आ, किसी दिन मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम भी दूँगा बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोर ईयर्स वहाँ पे जो मेरा पीयर ग्रुप था जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके उनको मैंने देखा हार्डवर्क करते हुए इस एग्ज़ाम के लिए और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज दूंगा रैंक वन तो शायद आई थिंक बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड या लक की वजह से आ जाता है बट आई थिंक जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका परसिस्टेंस और आपका हार्डवर्क uh, वो आपको करते रहना चाहिए अगर आप वो कर रहे हैं तो कभी ना कभी रैंक वन नहीं तो कोई ना कोई रैंक तो, तो आ ही जाएगा वॉट आर योर फ्यूचर गोल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सक्सेस तो अभी मैंने अचीव कर ली है बट आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट एम था वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था तो मैं अभी आ, उसके लिए प्रिपेयर करूँगा सेल्फ स्टडी मोड के थ्रू और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर करूँगा सिविल इंजीनियरिंग स्टार्टिंग से मेरा डिसाइडेड था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को चूज करके एग्ज़ाम दूंगा तो फ्यूचर में यही है कि अभी रुकना नहीं है अभी इस कॉन्फिडेंस को थोड़ा मेंटेन करना है अगले दो तीन साल तक और आ, इस प्रिपरेशन फेज में ही हम लोगों को सिविल सर्विसेज भी क्लियर करना है यू हैव बीन स्टूडेंट हियर एट आई मास्टर वी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग And for sharing your experience. God bless you. Thank you, ma'am.